हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं तंदूरी चाय। ये पीने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं तंदूरी चाय घर पे बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए हम लेंगे 2 चम्मच चीनी और ये 1.5 चम्मच हमने लिया है चाय पत्ती, और ये लिए हमने 2 छोटी इलायची, इसको हमने अच्छे से कूट लिया है, और ये हमने लिया है तंदूरी चाय के लिए कुल्हड़। आप कोई भी मिट्टी का कुल्हड़ इसमें यूज कर सकते हैं। और ये लिया है हमने 2 कप दूध, और ये लिया है हमने पानी चाय बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाय बनाना, तंदूरी चाय। सबसे पहले हम एक पैन में पानी डालेंगे, और उसके बाद हम 1 कप दूध डालेंगे। जैसे आप नॉर्मल चाय बनाते हैं, आपको पहले ऐसे ही बनानी है तेज आंच पे, जब तक ये बॉईल ना हो तब तक आप। इसके बाद हम इसमें इलायची डालेंगे, उसके बाद हम किसी जाले पे इसे रख के इसे कम से कम 10 या 15 मिनट तक हमें हीट करना है इस कुल्हड़ को, ताकि जो तंदूरी चाय का जो टेस्ट है वो बेहतर आए। इसे आप 10 या 15 मिनट तक अच्छे से हीट कर लें। ये अच्छे से हमारा जो दूध और इलायची बॉईल हो चुका है, अब इसमें हम चाय पत्ती डालेंगे, और उसके बाद इसमें जो चीनी लिया हमने वो ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से पकाना है, जैसे आप नॉर्मली चाय बनाते हैं वैसे इसे पकाना है। ये जो हमारी जो चाय है वो बॉईल हो चुकी है, और ये जो हमारा जो मिट्टी का बर्तन है ये भी हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम हटा करके एक बर्तन में रखेंगे, उसके बाद इसमें हम तंदूरी चाय को शिफ्ट करेंगे। ये देखिए इसका जो फ्लेवर है वो यहाँ तक आ रहा है, उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा ही औसम है। अब इसे हम हल्का ठंडा होने पे इसे निकालेंगे। ये तंदूरी चाय बनके तैयार है, आप भी इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं बना के। ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, जैसे आप नॉर्मल चाय बनाते हैं वो बिल्कुल वैसे ही बनेगा, बस इसमें कुल्हड़ का यूज़ हो रहा है और इससे बिल्कुल तंदूरी फ्लेवर आता है चाय में। तो प्लीज़ अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तंदूरी चाय की, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए।